राज्य में शिक्षण संस्थानों के बंद करने के फैसले और खुदा बख्श लाइब्रेरी को एक हिस्से को तोड़ने के विरोध में AISF ने राजधानी में स्थित पटना यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर प्रदर्शन किया। संघ के राज्य सचिव सुशील कुमार ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को नहीं रोकना चाहिए। साथ ही सरकार पर पुल बनाने के नाम पर खुदा बख्श लाइब्रेरी को जानबूझकर तोड़ने का भी विरोध किया। स्कूल कॉलेजों को कोरोना का डर दिखाकर बंद किया गया है। हम पूछना चाहते हैं कि बिहार के कई राज्यों के अंदर में चुनाव, बिहार के अलावे कई विधानसभा के अंदर में चुनाव कराए गए, कई विधानसभा चुनावों के अंदर में कई बड़ी बड़ी रैलियां की गई, नेताजी के भाषण हुए, लेकिन बावजूद भी स्कूल कॉलेज कोचिंग बंद किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि परीक्षाएं तो जारी है, विद्यार्थी पढ़ेंगे नहीं तो परीक्षा कैसे देंगे, यह सवाल है। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि सरकार हर हालत में कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती। और बात करेंगे यहाँ पर मधुबनी हत्याकांड की, क्योंकि मधुबनी नरसंहार ने अब जातीय रंग ले लिया है। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाहुबली विधायक प्रभुनाथ सिंह के भतीजे युवराज सुधीर सिंह नीतीश सरकार को खुली चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि इस कांड के मुख्य आरोपी प्रवीण झा पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर उसे हम लोग सजा देंगे। साथ ही मधुबनी नरसंहार से भी बड़ी घटना को अंजाम देने की भी धमकी दे दी है। आपको बता दें कि युवराज बीते मंगलवार को मधुबनी जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, साथ ही परिवार को लाखों रुपए की आर्थिक मदद भी दी। आपको बता दें कि होली के दिन महमदपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी प्रवीण झा समेत 5 लोगों को मर्डर के 8 दिन बाद पुलिस ने नेपाल से गिरफ्तार किया था। सब लोग उस इंसान रूपी रावण का अंत अपने हाथों से करें तो यह आपके लिए एक अच्छा कार्य होगा। अगर न्याय नहीं मिलता है तो यह जो राम सेना है उस रावण जो है रावण रूपी जो परवीन झा है, जो रावण रूपी जो परवीन झा है उनका गुंडाई हम लोग नहीं बंद करा दिए। उनको याद होगा, उनको खोज कर हम लोग उनको खोज के दुनिया के किसी कोने में अगर होंगे तो उनको खोज कर जिस तरह से परिवार को मारा गया इससे भी बड़ी घटना का अंजाम देंगे।